हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टू प्रूव एन इरेशनल नंबर। वी नो दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, सो हाउ टू वी प्रूव कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। देन वी प्रूफ इट। टू प्रूफ, पहले हम इसको मानते हैं कि रूट टू हमारा इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करना है तो हम मानेंगे कि ये रूट टू हमारा रेशनल नंबर है। सो वी नो दैट लेट रूट टू बी रेशनल नंबर। और हम जानते हैं जब रेशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में होगा, ए बाई बी के फॉर्म में होगा, जिसमें ए और बी क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जिसका दो फैक्टर हो, हैविंग मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, और इसका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इजक्ल टू टू बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, और ए भी डिविजिबल किससे होगा, टू से, क्योंकि बी स्क्वायर इसका फैक्टर, अगर हम बी के जगह पर कोई भी इंटीजर रखते हैं तो वो ए स्क्वायर से डिवाइड कर देगा। देन अब हमको बी को भी इसके फॉर्म में लाना होगा, तो हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू टू सी, तो देन वी पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू सी का स्क्वायर, और वैसे ही रहेगा टू बी स्क्वायर, तो हो जाएगा फोर सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ये इससे कट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, टू सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, टू से, एंड बी भी ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। तो यहाँ पर हमको बच्चों क्या देखने को मिला कि ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है, दोनों कॉमन फैक्टर है क्या, दो, लेकिन हम इसमें लेट किए हैं कि हैविंग मोर देन वन फैक्टर, एक ही फैक्टर आएगा, और वो भी कॉमन आया कि नहीं आया कोई ठीक नहीं। तो यहाँ आपको देखने को मिला एक कॉमन आया, दोनों का फैक्टर टू, और एक से ज़्यादा आया है, तो दस आवर सपोजिशन इज जो हम माने थे वो गलत निकला, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब रॉन्ग है तो क्या, हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, जो हम फैक्ट प्रूफ किए थे उसके विपरीत निकला, तो सही क्या है, देन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू थैंक यू दोस्तों।